सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल योर न्यू डायरेक्शन को और साथ में बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आज है 12 दिसंबर और एक बार फिर से मैं आपके लिए पांच बड़ी भर्तियों के फॉर्म आज 12 दिसंबर 2019 को लेकर आया हूं। सभी भर्तियां ऑल इंडिया गवर्नमेंट जॉब हैं, आठवीं पास के लिए भी भर्ती हैं, दसवीं, बारहवीं, डिग्री, डिप्लोमा संबंधित कोई भी क्वालिफिकेशन आप रखते हैं तो आप इन फॉर्म्स को भर सकते हैं। अगर आपने इनमें से कोई भी अगर फॉर्म नहीं भरे हैं तो यह आपको पछताना भी पड़ सकता है। तो अगर अभी तक आप अपडेट नहीं हैं इन आई हुई नई बड़ी भर्तियों से तो इस वीडियो को देखते रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो में इन भर्तियों की मैं पूरी बेसिक इन्फॉर्मेशन, आयु सीमा से लेकर क्वालिफिकेशन तक, फीस, लॉगिन, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, कहां पर लिंक मिलेंगे, सभी चीज़ें आज के इस वीडियो में मैं स्टेप बाय स्टेप क्लियर करने वाला हूँ आपको। सभी साथियों से मेरा निवेदन है कि सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें अपने साथियों के साथ, क्योंकि जिन्हें इन भर्तियों की ज़रूरत है उन तक ये वीडियो ज़रूर से ज़रूर पहुंचाएं। आज की हमारी जो पहली वैकेंसी है, वो पहली हमारी आज की वैकेंसी आ रही है इंडियन एयरफोर्स एयरमैन सेलेक्शन टेस्ट में। यहाँ पर जो वैकेंसी आ रही है एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप जनवरी 2021 बैच के लिए, यह ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जहां पर आपको एक्स ग्रुप टेक्निकल के लिए अगर आप आवेदन करते हैं तो 10+2 यानी कि इंटरमीडिएट पास होना चाहिए। मैथ, फिजिक्स, इंग्लिश सब्जेक्ट में 50% मार्क्स अनिवार्य किए गए हैं। वाई ग्रुप में अगर आप आवेदन करते हैं तो इंटरमीडिएट पास होना चाहिए और इंटरमीडिएट आपको 50% के साथ पास होना चाहिए। साथ ही साथ इंग्लिश में भी अलग से 50% होने ही चाहिए। आयु सीमा की बात करें तो 17 जनवरी 2000 से 30 दिसंबर 2003 के बीच में आपकी आयु सीमा होनी चाहिए। जनरल ओबीसी को 250 रुपये, SC ST को 250 रुपये की फ़ीस यहां पर पे करनी रहेगी। रिटन टेस्ट, फिजिकल टेस्ट, मेडिकल टेस्ट के आधार पर सिलेक्शन होगा। ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे, ऑल इंडिया से किसी भी जगह से अभ्यर्थी आवेदन कर पाएंगे। ऑफिशियल वेबसाइट है airmanselection.gov.in और इनकी जो आवेदन स्टार्टिंग डेट है 2 जनवरी 2020 से आवेदन शुरू हो रहे हैं और 20 जनवरी 2020 तक आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। यहां से आप अप्लाई, यहां पर जो लिंक एक्टिवेट है यहां पर क्लिक करने के बाद ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। आज की साथियों जो दूसरी बड़ी भर्ती है वो है कर्नाटका स्टेट रोड ट्रांसपोर्टर कॉरपोरेशन से बड़ी भर्ती आ रही है, ड्राइवर एंड ड्राइवर कम कंडक्टर की। दो पदों के लिए भर्ती है, कुल पदों की संख्या है 2814 पद निकाले गए हैं इसके लिए और केवल आपको हाई स्कूल पास मांगा गया है। केवल हाई स्कूल 24 वर्ष से 35 वर्ष तक के अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर आप जनरल या ओबीसी हैं तो 600 रुपये, SC ST हैं तो 300 रुपये की फीस यहां पर आपको दे करनी रहेगी ऑनलाइन माध्यम से। सिलेक्शन रिटन टेस्ट और स्किल टेस्ट होगा, उसके आधार पर यहां पर सिलेक्शन लिया जाएगा। आवेदन आपको ऑनलाइन करना है, ऑल इंडिया जॉब है, www.nwkrtc.in ये ऑफिशियल वेबसाइट है, अधिक जानकारी यहां से आपको मिलेगी। और आवेदन करने की लास्ट डेट है 8 जनवरी 2020। जो अभ्यर्थी आवेदन करना चाहते हैं अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करें, आवेदन कर पाएंगे। यहां पर रजिस्ट्रेशन का लिंक मिल जाएगा आपको और डाउनलोड नोटिफिकेशन पर क्लिक करने के बाद आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। आज की साथियों तीसरी हमारी बड़ी भर्ती आ रही है बैंक ऑफ महाराष्ट्र से जर्नलिस्ट ऑफिसर स्केल सेकंड और स्केल थर्ड के लिए 300 पद निकाल दिए गए हैं। केवल बैचलर डिग्री यहां पर मांगा गया है, फर्स्ट डिवीजन के साथ अगर आप बैचलर डिग्री हैं तो आप आवेदन कर पाएंगे इन पदों पर। 18 से 38 वर्ष तक के अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन करेंगे। आयु की गणना 1/4/2019 से यहाँ पर की जा रही है। अगर आप जनरल या ओबीसी हैं तो 1180 रुपये, SC ST हैं तो 118 रुपये यहाँ पर आपको दे करने रहेंगे, वो भी ऑनलाइन। रिटन टेस्ट के आधार पर यहाँ आपका सिलेक्शन लिया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन इसके लिए आपको करना होगा। ऑल इंडिया जॉब है और ऑफिशियल वेबसाइट है www.bankofmaharashtra.in ये ऑफिशियल वेबसाइट है। आवेदन शुरू हो रहे हैं 11 दिसंबर 2019 से और 31 दिसंबर 2019 तक आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करने के बाद आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और लॉगिन करके आप उस फॉर्म का प्रिंट भी ले सकते हैं। यहां से ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप डिटेल से डाउनलोड कर सकते हैं और अधिक जानकारी ले सकते हैं इस भर्ती की।
आज का हमारी चौथी बड़ी वैकेंसी है वो आ रही है गुवाहाटी हाई कोर्ट से। ये हमारी बड़ी भर्ती आ रही है, लॉ क्लर्क के 10 पदों पर यह भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। केवल ग्रेजुएशन डिग्री मांगी गई है। लॉ में 18 से 38 वर्ष तक के अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन करेंगे। जनरल या ओबीसी को 300 रुपये, SC ST को 150 रुपये यहाँ पर ऑनलाइन फीस दे करनी रहेगी। और इसका जो सिलेक्शन है वो रिटन टेस्ट और इंटरव्यू के आधार पर लिया जाएगा। ऑनलाइन यहाँ पर आपको आवेदन करना है। गुवाहाटी यहाँ पर जॉब लोकेशन है www.ghconline.gov.in ऑफिशियल वेबसाइट है। और आवेदन 10 दिसंबर 2019 से शुरू हो जाएंगे। 24 दिसंबर तक आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे और 27 दिसंबर 2019 तक आप इसके लिए ऑनलाइन फीस जमा कर सकते हैं। जो अभ्यर्थी आवेदन करना चाहेंगे वो अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करके ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और यहाँ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। आज की हमारी पांचवी और सबसे बड़ी भर्ती आ रही है बैंक ऑफ महाराष्ट्र से। आप फिर से देख रहे हैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र में दो अलग अलग नोटिफिकेशन जारी किए हैं। दूसरा नोटिफिकेशन है जहां पर वेरियस पोस्ट निकाली गई हैं। आप देख सकते हैं कुल 50 वैकेंसीज हैं और इसके लिए जो क्वालिफिकेशन मांगी जा रही है इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस में, IT में, इलेक्ट्रॉनिक्स, MCA, MSc कंप्यूटर साइंस सभी में अगर 55% से मार्क्स हैं तो आप इन सभी के लिए आवेदन कर सकते हैं। मैक्सिमम आयु 35 वर्ष तक के अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन करेंगे। 31/3/2019 से आयु की गणना की जा रही है। जनरल OBC 1180, SC ST 118 रुपये की यहाँ पर फीस ऑनलाइन आपको जमा करनी होगी। रिटन टेस्ट के आधार पर यहाँ पर सिलेक्शन होगा। ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। ऑल इंडिया जॉब है bankofmaharashtra.in ये ऑफिशियल वेबसाइट है। आवेदन 16 दिसंबर 2019 से शुरू हो चुके हैं यानी हो जाएंगे और 31 दिसंबर 2019 तक आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। लिंक भी आपको यहाँ पर एक्टिवेट हो जाएगा 16 दिसंबर को। अभी आप इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। तो साथियों ये आज की पांच बड़ी भर्तियां थीं जिनके मैंने आपको डिटेल से पूरा डिटेल बता दिया है। अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आई है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। अगर आप इनमें से किसी पर भी क्वालिफिकेशन पूरी रखते हैं तो आप लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे सभी के। फटाफट जाके आवेदन करें और इसी तरह के डेली अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें।